राजनांदगांव जिले के मनगट्टा वन परिक्षेत्र में 3 दिनों तक वन विभाग को छकाने के बाद वन विभाग ने दावा किया है कि बाघ क्षेत्र से निकल गया है। वहीं पर्यटकों के लिए वन चेतना केंद्र खोल दिया गया। राजनांदगांव जिले से लगभग 17 किलोमीटर दूर मनगट्टा क्षेत्र में बीते 27 तारीख की रात बाघ देखा गया था। इसके बाद से वन विभाग इस क्षेत्र में बाघ की तलाश में जुटा हुआ था। वन विभाग को लगातार क्षेत्र में बाघ के पदचिन्ह मिल रहे थे। एहतियात के तौर पर वन चेतना केंद्र को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। लगभग 3 दिनों की तलाश के बाद जब वन विभाग के हाथ खाली रहे तो नववर्ष के उत्साह को देखते हुए मनगट्टा वन चेतना केंद्र पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। वहीं वन विभाग का तर्क है कि बाघ क्षेत्र से रवाना हो गया और उसके पद चिन्ह लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम भरे गाँव इलाके में दिखे हैं। वन विभाग ने राजनांदगांव जिले के पड़ोसी जिले बालोद को अलर्ट किया। मनगट्टा क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी से लगातार दहशत का माहौल था। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा भी क्षेत्र में लगाया हुआ है। इसके बावजूद वन विभाग बाघ का क्षेत्र से बाहर निकालने के दावे कर रहा है। बहरहाल तमाम संसाधनों के बीच भी वन विभाग का अमला एक छोटे से वन क्षेत्र में बाघ को तलाश नहीं पाया और मनगट्टा क्षेत्र से वन विभाग बेपरवाह हो गया। वही बाघ की तलाश अन्य क्षेत्र में शुरू कर दी गयी। अब मनगट्टा में पिछले 2 दिन से पग मार्क्स हमको मिल रहे थे टाइगर के, पर आज जो मॉर्निंग में हम लोगों को पग मार्क्स मिले हैं वो मनगट्टा से काफ़ी आगे करीब 15 किलोमीटर दूर खेतों में हमको पग मार्क्स मिले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उस क्षेत्र से शायद जो है टाइगर मूव कर गया है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। फिर भी अलर्टनेस जारी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह सभी क्षेत्र में हमारा पूरा वन अमला, इनफैक्ट हम लोगों ने बालोद जो हमारा है डिवीज़न वहाँ पे भी अलर्ट कर दिया। वहाँ पे भी हमारा वन अमला पूरा गश्त में लग गया है, पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया है। वहाँ पे भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर ली है, मुनादी कराई जा रही है जो भी हमारे पड़ोसी गांव लग रहे हैं इस राजनांदगांव डिवीज़न से। और मनगट्टा में भी कंटिन्यूस हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हमारा पूरा वन अमला मुश्तैद है, कर रहा है काम। तो जैसे वन पर क्षेत्र को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, तो उसके पीछे कारण क्या है? खोला ऐसा खोल तो दिया है, अब जो लोग आ रहे हैं क्योंकि बहुत 2 दिन से बंद था और काफ़ी लोग आ रहे थे, हम लोग उनको वापस कर रहे थे। तो क्योंकि अब मूव कर गया है पूरा, निकल गया है ऐसा लग रहा है हम लोगों को, तो धीरे धीरे आ रहे हैं पर्यटन। किसी को मना नहीं कर रहे हैं पर किसी को बुला भी नहीं रहे हैं। इसी बीच मान लीजिए कहीं कोई दुर्घटना हुई तो हमारा पूरा अमला है, कोई दुर्घटना की संभावना नहीं है क्योंकि सफारी अंदर है, अंदर तो है नहीं सफारी, मतलब जो हमारे पार्क के अंदर तो कोई है नहीं, टाइगर तो है नहीं। बाहर के क्षेत्र में तो उस तरफ घूमते नहीं हैं वो लोग। ये है कि रात में कोई नहीं रोकेगा वहाँ पे, 5 बजे हम लोग उसको बंद कर देंगे।